લખી નાખશું. વ્યાકરણ હું તમને મોઢે જ લખાવી દઈશ, બરાબર? ઓકે, તો લેસન નંબર 13 કોણ સા થા? નીતિ કે દોહે, રાઈટ? ઓર લેસન નંબર 14, 14 નંબર કા લેસન થા યુગ ઓર મેં. દોનો હમારે કાવ્ય થે ઓર દોનો કે હમે એમસીક્યુ જો હે વો આજ કમ્પ્લીટ કરને હે ઓર ઇસકે બાદ એલક્યુ જો હે ઉસકે બારે મેં બાત કરેંગે, પર આજ હમ ઇસકે એમસીક્યુ કમ્પ્લીટ કરેંગે, ઠીક હે? તો હમ જો હે વો સ્ટાર્ટ કરી દેતે હે. ઓકે, ચલીએ. અલ્ફાઝ પઢો બેટા. લાખ પ્રયત્ન કે બાવજૂદ બિગડી બાત નહીં બનતી હૈ, યહ બાત સમજો સમજાને કે લિયે રહીમ ક્યા ઉદાહરણ દેતે હૈ. લાખ પ્રયત્ન કરને પર ભી બિગડી બાત નહીં બનતી, ઇસકે લિયે રહીમ જી કોન સા ઉદાહરણ દેતે હૈ. ચલિયે, બતાઈએ આન્સર. इसका आंसर क्या होगा? और कोई बॉयस आंसर सभी दे सकते हैं. इसके लिए रहीम ने एक दोहा कहा था, वो दोहा कौन सा था? वेरी गुड, कोई नहीं. हाँ, वेरी गुड मिलना चाहिए. हाँ, सी एक कितना भी समझना नहीं. नहीं, एक मिनट अल्फाज, क्या है कि लाख प्रयत्न करने के बावजूद बिगड़ी बात नहीं बनती, ये तो हमें उसका जो समझौती थी वही दे दी प्रश्न में. तो उसके लिए दोहे में जो पंक्ति दी थी ना, वो इसमें से है. वो कौन सी थी ऐसा पूछा है. अब आप समझे मैंने क्या पूछा? बी. हाँ, बी. उसमें हमें दोहा दिया था ना कि बिगड़े हुए दूध को कितना भी मथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलता. तो उसका मतलब कि बात एक बार बिगड़ जाए तो कितने भी प्रयत्न करो वो बात संभलती नहीं है, है ना, बनती नहीं है. तो इसके लिए हमें दूध और बिगड़े हुए दूध का उन्होंने उदाहरण दिया था. अब आया समझ में कैसे? आप लोग आंसर के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? मैं आपको इसकी पीडीएफ तो भेज ही दूंगी, पर अभी जो है वो आंसर के साथ है, तो आपको आंसर के साथ ये आपके पास फोटो होंगे, और फिर आपको ये होमवर्क में लिखने भी है आज. चलिए, अब चलो फैजान, विंधानी फैजान या शेख फैजान, कोई भी, दोनों है. हाँ मैम. पढ़ो बेटा. पढ़ो बेटा. विंधानी फैजान, आप पढ़ो, उनका शायद माइक. रहीम के अनुसार कटु बोलने वाले के लिए क्या सजा होनी चाहिए? क्या होगा आंसर? फैजान, आंसर भी देना है बेटा आपको. आजकल आप बहुत कम बोलने लगे हो, ध्यान होता है कि नहीं होता आपका? भूल जाते हो कौन सा लेसन किया. हाँ, इस सत्र में थोड़ा आपका काम स्लो हो गया है फैजान. हाँ मैम. हाँ, आंसर दो बेटा, मैं आपसे बात कर रही हूँ. उन्हें जेल में वे जब तक मीठा ना बोले तब तक उसके मुंह में नमक रखना चाहिए. ध्यान कहाँ है आपका? नहीं मैम, मैं बोल रहा था मगर मेरा माइक म्यूट हो गया था इसलिए. ओके ओके ओके, हमें लगा कि आप पता नहीं का. मुझे पता चला. ओके ओके,
चलिए ठीक है। रहीम के अनुसार कटु बोलने वाले के लिए क्या सजा होनी चाहिए? तो वो हमें ककड़ी का उदाहरण दिया था ना, खीरे का, कि खीरे को जैसे काट कर उसके मुंह पर नमक लगाया जाता है, उसी प्रकार अगर कोई मीठा नहीं बोलता तो उसे भी ऐसी ही सजा देनी चाहिए कि उसमें उसके मुंह में ढेर सारा नमक भर दीजिए और ताकि वो मीठा बोल सके। क्लियर? चलिए अब उसके बाद, तरुवर परहित की भावना कैसे प्रकट करते हैं? तरुवर यानी वृक्ष जो है वो परहित यानी दूसरों के हित की भावना है, वो किस प्रकार प्रकट करते हैं? चलिए आप लोग आंसर दीजिए, मैं प्रश्न करती हूँ। कैसे प्रकट करते हैं परहित की भावना तरुवर यानी वृक्ष? दूसरों पर भला कैसे करते हैं वो? क्या मैम? तरुवर हैं वो दूसरों पर परहित की भावना कैसे प्रकट करते हैं, यानी वह दूसरों पर कैसे परहित यानी हाँ दूसरों पर भला कैसे करते हैं? तरुवत अपने फल नहीं खाते। हाँ, तरुवर अपने फल नहीं खाते। वेरी गुड। तरुवर जो हैं वो अपने फल नहीं खाते, इस प्रकार वह दूसरों पर भलाई करते हैं। गुड। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। हाँ स्क्रीनशॉट लेना है क्या? हाँ तो वह तो मैंने कब से बोला बेटा, मैं पीडीएफ भेजूंगी पर उसके लिए आपके पास आंसर तब नहीं होंगे, ये आंसर के साथ है इसीलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप लोग आज लिख लीजिए। मैम पीडीएफ आदि भेज देंगे। हाँ वो तो मैं भेज दूंगी, पर अगर फिर उसमें आंसर नहीं होंगे और आंसर आपको याद ना आया कोई, तो इसीलिए फिर आप ये डिलीट कर दीजिएगा। आप लोग आंसर एक बार लिख लेना, फिर आपके पास पीडीएफ तो होगी ही और नोटबुक में भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सज्जन अपनी संपत्ति का कैसे उपयोग करते हैं बताइए? सज्जन अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? वत्सल है, हाँ, भी अपने राहिल है, परिवार सालिक के मिसाली यहाँ अस्तर था, बोल है अलियास, कोई भी बोलो बेटा। अपने बी, परिवार के लिए। अपने परिवार के लिए सज्जन अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं, ऐसा। जी सी, ये सी किसने बताया? परहित में हाँ वो कौन बोले आंसर? नकवी कासिम। ओके कासिम, वेरी गुड। कासिम इस बार रिजल्ट भी अच्छा है आपका, बहुत प्रोग्रेस किया है आपने। हाँ मिस। वेरी गुड। चलिए तो सज्जन अपनी संपत्ति का उपयोग परहित यानी दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं अली असगर, अपने परिवार के लिए ही नहीं। हाँ अपने परिवार के लिए तो करते ही है पर वह साथ में दूसरों का भी भला करते हैं। तो आंसर परहित होगा। चलिए, तरुवर फल नहीं खाते, दोहे में कौन सी भावना प्रकट होती है? कौन सी भावना प्रकट होती है? परहित परहित की भावना प्रकट होती है। की ये प्रश्न दो बार आया हमारे सामने, पर दोनों बार प्रश्न को अलग-अलग तरीके से बताया गया। प्रश्न आंसर तो एक ही था, पर प्रश्न अलग-अलग कर दिया गया। चलिए उसके बाद, रहीम के अनुसार कौन पहले से ही मरा हुआ है? जो किसी के कुछ मांगने पर देने से इनकार करता है। वो दोहा था ना रहीम जी का, कि कौन सा दोहा था याद है आपको?
याद है दोहा आप लोगों को? कौन सा दोहा था? मैम दोहा तो नहीं याद है, मुकर्रम दोहा कुछ ऐसा था ना कि क्या कहते हैं उसका नाम क्या था? गरीब को देखते जो कहीं मांगने जा रही मन देने से में नर इनकार मर करता है। चुके, जो कहीं मांगने जाही, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। तो पहले वे मरे हुए हैं मतलब जो किसी को देने से मना करते हैं, राइट? जो किसी को कुछ मांगने पर देने से इनकार करता है। हाँ, वो पहले मरे हुए हैं, बाकी वो भी मरे हुए हैं जो कहीं मांगने जाते हैं, पर उनसे पहले वे जो उन्हें देने से मना करते हैं, क्योंकि उनके पास तो है सब कुछ, फिर भी मना करते हैं। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा स्पीड से कीजिएगा, आंसर भी स्पीड से दीजिए, बहुत सारे हैं इसलिए। चलिए, रहीम के अनुसार कौन सा व्यक्ति कुसंग नहीं कर सकता? जो उत्तम प्रकृति का होता है, वेरी गुड, किसने दिया आंसर? मोइज। ओके मोइस, वेरी गुड। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपट रहत भुजंग। यानी कि जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं उनमें कुसंग व्यक्ति का कोई असर नहीं होता, है ना? ऐसा दोहा था हमारा। चलिए उसके बाद, रहीम के अनुसार कौन सा व्यक्ति कुसंग नहीं कर सकता? जो बलवान होते जो हैं, बलवान होता और कोई? मोइज नहीं मैम, जो धनी होता है वो उत्तम मोइज प्रकृति का, मोइज मोइज। जो उत्तम हाँ प्रकृति। हाँ आंसर तो एक ही है दोनों में बेटा, कि रहीम के अनुसार कौन सा व्यक्ति कुसंग नहीं कर सकता, तो उसमें उत्तम प्रकृति का। और यहाँ क्या प्रश्न था कि कौन सा व्यक्ति कुसंग नहीं कर सकता, और कौन सा व्यक्ति, एक ही था प्रश्न, प्रश्न तो एक ही था। चलिए, रहीम किसी बड़ी चीज को देखकर हमें क्या नहीं करना चाहिए? रहीम के अनुसार किसी बड़ी चीज को देखकर हमें क्या नहीं करना चाहिए? तिरस्कार, हाँ, छोटों का छोटा का तिरस्कार, तिरस्कार। बड़ों को देखकर छोटों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। रहीम ने देखी बड़े ने को लघु न दीजिए डारी, यानी छोटों को तिरस्कार नहीं करना चाहिए। चलिए उसके मैम बाद आगे का रही, तो एक ही आंसर था ना, क्वेश्चन हाँ आंसर। हाँ हाँ एक ही था। ओके, रहीम जीवन में आने वाली विपदा को अच्छी क्यों कहते हैं? क्यों अच्छी कहते हैं जीवन में विपत्ति आने के वाली समय मुसीबतों को? विपत्ति में हमें धन मिलता है, कुछ धन मिलता है, कुछ ना कुछ सिखाती है, और कोई? अभी दो बाकी है, वो भी सही आंसर पक्का वाला। ए बी सी डी कौन सा होगा? बी डी बी मिस बी बी विपत्ति के समय में ही सबके बारे में जाना जा सकता है, डी होगा। पता था किसी को डी? हामिश मैंने किया ना। हाँ, मुझे लग गया किसी ने बोला ऐसा। विपत्ति के समय में ही हमें कौन अपना है, कौन पराया है, उसका पता चलता है, इसीलिए आंसर होगा ये डी। वो दोहा था ना, हो थोड़े दिन की हो विपत्ति तो भली, ऐसा कुछ था।
जिसमें हमें पता चलता है कि कौन हमारा है और कौन पराया। चलिए उसके बाद रहीम जीवन में, ओके, उसके बाद ये वाला, जहां छोटी चीज काम आती है वहां बड़ी नहीं आ सकती, यह बात रहीम कौन सा उदाहरण देकर समझाते हैं? सुई और तलवार। हाँ, सुई और सुई और तलवार, वेरी गुड, कि जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवारी। वो वही वाला दोहा, रहीम ने देखी बड़े इनको लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवार। तो छोटे जो काम कर सकते हैं, कभी कभी काम वो बड़े नहीं कर सकते। बेटा याद रखिएगा, कई लोगों के कई सारे आंसर गलत हो रहे हैं, मतलब आप दोहे भूल चुके हैं ऐसा मुझे लगता है। रहीम के अनुसार सच्चा प्यार करने वाला कौन होता है? जो विपत्ति के समय काम जो आता है। विपत्ति के समय काम आता है। वेरी प्लीज गुड। बोलो अलीगढ़। हाँ, लिए उसका आंसर मिला बेटा, मिला आंसर। अब दूसरे में बोलना। हाँ, आप फिर से चलिए। विंधानी फैजान, अल्फाज थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, आपके आगे भी निकलने वाले रेडी हो चुके हैं अब। हाँ, आपसे भी ज्यादा तैयारी है। देखिए आपके आंसर गलत हो रहे हैं, इनके नहीं हो रहे हैं। हाँ, तो रहीम के अनुसार सच्चा प्यार करने वाला वो व्यक्ति होता है जो विपत्ति के समय है। ये नहीं, वही सच्चा दोस्त है जो मुसीबत में भी हमारा साथ दे। चलिए उसके बाद, सुई का काम कौन नहीं कर सकता? ये तो आसान है, तलवार तलवार हाँ, तलवार। सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। हो गया? हामिश ओके। खीरे का कड़वापन दूर करने के लिए क्या किया जाता है? खीरे का को शक्कर में डालना जीरो। पड़ता है। अरे, अभी आपने फैजान सही आंसर पहले आपने ही दिया था और अभी आप गलत आंसर दे रहे हो। बात एक ही है। को काट नहीं, कर फैजान, नमक विंधानी लगा। फैजान, विंधानी फैजान, उन्हें ही सॉल्व करने दीजिए आज। क्यों गड़बड़ कर रहे हैं आज? पहले इसी का आंसर आपने सही दिया था, अब प्रश्न घुमा के दिया तो आप गलत दे रहे हो आंसर। मैं फैजान प्लीज को आवाज सोच, कट रही है। भाई सभी को आवाज कट रही है। उसके नहीं ऊपरी नहीं सिर को काट कर नमक हाँ लगाकर डिशा खाता हाँ है। डी, उसके ऊपरी सिरे को काट कर नमक लगाकर खींचा जाता है। बॉयज आवाज आ रही है ना मेरी अच्छे से? हामिश ओके। बेटा किसने कहा था? देखो आपके शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है, थोड़ा इधर उधर चेक करो, कहीं और बैठो। चलिए, तो खीरे का कड़वापन दूर करने के लिए उस पर ऊपरी हिस्से को काट कर उस पर नमक लगाया जाता है, खीरा यानी ककड़ी। चलिए उसके बाद, कौन सा दीन बंधु भगवान के समान होता है? ये लेसन नंबर 14 के हैं, युगौर में। चलिए, कौन सा दीन बंधु, देखता है और उसकी मदद करता है। मैं जो, बोल ये हाँ अलियसगर बोलो बेटा। हाँ, गरीब क्या कहा अलियसगर? ये आंसर होगा बेटा, कौन सा दीन बंधु भगवान के समान होता है जो गरीब को प्रेम से देखता है
और उसकी मदद करता है। सॉरी अभी ये 13वें लेसन की है, सॉरी मुझे कोई गलती हो गई, ये 14 युग और मैके नहीं, ये दोहे के ही है, अभी रहीम के दोहे जो थे उसी का है ये प्रश्न। हो गया। अच्छा ओके कही रहीम संपत्ति दोहे में कौन सा भाव प्रकट हुआ है? सही संबंध सही संबंध की रीत और और सत्ता प्यार। प्यार। ऑप्शन बी। हाँ राइट, ऑप्शन बी, सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार। कही सरहीम संपत्ति सगे बन्ही सब, जो विपत्ति समय हो साथ वही सच्चे मित्र। इस प्रकार का था दोहा कुछ। हो गया। हाँ मैम, थोड़ा स्पीड रखेंगे ना तो व्याकरण हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें एक लेसन और करना है। स्पीड है आपका। हाँ क्योंकि अभी हमें एक लेसन और भी करना है बाकी। ओके, सात समंदर की क्या हालत है? समुद्र सात समुद्र खोल खोल रहा है। खोल रहे हैं। हाँ चलो, अब तो फैजान और अल्फाज को बोला तो शायद थोड़ा बुरा लग गया, इसलिए सही आंसर आने लगे। चलो थोड़ा बुरा लगना चाहिए, नहीं तो मैडम, आंसर तो सही नहीं, हो तो जिसका आंसर बता तो उसका देना चाहिए ना। हाँ नहीं, मुझे लगा अगर आपको बुरा लगने से आंसर सही आने लगते हैं तो बुरा लगना नहीं चाहिए। नहीं ना, मैम, नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे पता है। चलो कोई बात नहीं, बाकी सब बोलते रहिए आंसर। चलिए, सात समंदर की, सात समंदर में जो है वो खौल रहा है हिंसा की आग में। चलिए उसके बाद, कवि को अपनी व्यथा क्यों बड़ी नहीं लगती? ओके। कवि, सारी दुनिया की व्यथा में पड़ी है। हाँ सारी दुनिया पर व्यथा पड़ी है, इसलिए पड़ी कवि, हाँ सारी दुनिया पर व्यथा है अभी, तो उसके सामने कवि को अपनी पीड़ा तो, अपनी व्यथा तो कुछ नहीं लगती। चलिए उसके बाद, धरती क्या उगल रही है? बोल अनाज। मैम, आग की लपेटे। हाँ आग की हाँ लपटे उगल रही। क्लियर। हाँ, अली असगर ने दिया ना आंसर साथ में फैजान के साथ, सही दिया। हाँ मैम। धरती जो है वो आग की लपटे उगल रही है। चलिए, कवि के अनुसार बुद्धि किस लिए मिली है? मानव के द्वारा जड़ता में प्राण प्राण डालने के लिए। बी। शेख फैजान कहाँ गए? मोइस, शेख नहीं, वो फरिश्ता भेजाने एक और मैं। फिरिश्ता है? ओके, मुझे हाँ फरिश्ता लगा भेजा। शेख फैजान। ओके, तो मेरी गलती हुई होगी देखने में। ओके, तो मानव के द्वारा जड़ता में प्राण डालने के लिए मनुष्य को बुद्धि दी थी ईश्वर ने, और हाथ दिए थे धरती पर स्वर्ग का निर्माण करने के लिए। इसके आंसर तो आने ही चाहिए बॉयज, ये हमने लास्ट लेक्चर में ही किया है। हाँ कवि किस तरह एक नया मैम, संसार रचने को कहते हैं? एक दूसरे को दूसरे प्यार करके, नहीं एक आदर दूसरे करके। का हाँ आदर करके, एक दूसरे हाँ सही है, एक दूसरे का आदर करके हम नए संसार की रचना कर सकते हैं। पर आज तो लोग जो हैं वो एक दूसरे को पछाड़ने में ही हैं, एक दूसरे को पीछे रखने की होड़ में हैं। चलिए, कवि अपना काम अधूरा छोड़ मानव क्या कर रहा है? प्रार्थना। आत्मघात।
युद्ध आत्मघाती बन गया है, छोड़ अधूरा काम, उसे जो काम दिया था पृथ्वी को जीतने का, अपने वश में करने का, वो काम छोड़कर आज वह आत्मघाती बन गया है, करने लगा है या तो दूसरों को मार रहा है, इसलिए आत्मघाती बन गया है। चलिए उसके बाद, कभी कौन से सपने सच्चे होने की राह देख रहे हैं? सबकी क्षमता, सबकी तंदुरुस्ती, सबकी क्षमता, समता, समता, समता के सपने, यानी सब समान रूप से एक जैसे एक तरह ही रहे, ऊंच नीच का कोई भेदभाव ना हो, वो समता के सपने जो है वो मनुष्य चाहता है कि सब के सच्चे हो, ऊंच नीच के भेदभाव, जाति पाति के, धर्म के भेदभाव ना हो और सब समान रूप से रहे, ऐसे सपने हैं कुछ इंसानों के, वो सपने सच होने की राह देख रहा है। मानवता के बारे में कवि की क्या चिंता है? मानवता घाव, मानवता का मूल्य। पहले आप ऑप्शन तो पढ़िए सारे, पहले शांति से ऑप्शन पढ़ लीजिए। मैं मानवता का मूल्य कब समझ जाएगा? फिर और कोई? मानवता घायल, मोइस के घाव कब मरेंगे? मानवता कहाँ गुप्त हो गई है? मोइस, ऑप्शन डी, मानवता। हाँ, ऑप्शन डी, मोइस ने सही कहा, मोइस सही देगा आंसर। इस घायल मानवता के घाव कब भरेंगे, ये कवि की चिंता का विषय है। मानवता के बारे में ये चिंता है कि कब घायल मानव के घाव जो है वो भरेंगे। आज वो एक दूसरे को नफरत दे रहा है, चोट दे रहा है, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, तो ये मानवता पर घायल है, घायल घाव है। चलिए, कभी कौन से सपने सच होने की राह देख रहे हैं, ये हमने कर लिया। ओके, समता के। ओके, उसके बाद मानवता के बारे में ये भी हो गया, क्यों ये किया रहा है। ओके, कवि को अपने गम में डूबने का गम क्यों नहीं है? पूरे सारी दुनिया गम में डूबी हुई है, कवि को अपना गम में डूब। अली असगर, साबिर, वत्सल, कहाँ है सब? मिस बी, अमिस, क्या होगा आंसर? साबिर, सी, 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 राहिल बेटा, स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना आप? राहिल है ना? राहिल, राहिल है बॉयस? देखिए तो मुझे बताइए तो आप लोग कि राहिल है? नहीं नहीं मिस, नहीं, लेफ्ट हो गया। ओके, चलिए उनसे फिर बाद में बात कर लेते हैं। कवि को अपने गम में डूबने का गम नहीं, क्योंकि सारी दुनिया जो है वो खुद गम के सागर में डूबी हुई है। चलिए उसके बाद, गगन से क्या उगल रहा है? अंगार, 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 गगन से अंगारे बरस रहे हैं। अंगार, मानव को क्या बनना था? ईश्वर, देव, ईश्वर, और वो क्या बन गया? मानव को ईश्वर बनना था और वह बन गया, क्या बन गया? आत्मघाती बन गया, आत्मघाती, आत्मघाती, आत्मघाती बन गया। ईश्वर बनना था, सारी दुनिया पर राज करना था, पर अब वो आत्मघाती बन गया। कवि का खुद का अभिमान क्यों नहीं टिक पाया? मैं पूरा विश्व तहस नहस हो गया। मिस सी, मोइस ने कहा ना सी?
चलो मोइज ने कहा वो हम टिक कर देते हैं। मोइज मोइज आपके ऊपर। हाँ मोइज, आपने कहा वो हमने टिक कर दिया। मैंने फैजान की बात नहीं सुनी, अल्फाज की नहीं सुनी, मुझे आप पर यकीन है। आपने कहा वो मैंने कर दिया, सही है ना मोइज? मोइज नहीं बोला, फैजान बोला था। मोइज नहीं बोला था? मैं बोला था अली असगर नहीं, नहीं अली बोले थे। असगर की मैम आवाज नहीं थी। मुझे क्यों मुझे मोइज फैजान की की आवाज आवाज लग रही लगी? थी, मुझे मैम मुझे मोइज की फैजान लग की रही आवाज थी। लग रही थी, बोला था और पता नहीं कौन बोला। अली नहीं असगर सही बोला है। था। नहीं अली असगर आपकी आवाज भी नहीं, मुझे शायद मोइज की ही लगी। फिर पता नहीं, पूरा विश्व जो है बोला तहस नहस हो रहा है। ओके, आंसर सही है ये। चलिए, कवि के अनुसार हाथ किस लिए बने हुए हैं? इस धरती पर स्वर्ग का निर्माण करने के लिए। डी ऑप्शन हाँ, ऑप्शन डी। देखो अब किसकी आवाज थी ये लास्ट वाली, ऑप्शन डी वाली? हाँ मेरे ओके, चलिए ये तो आसान था। कवि मानव को क्या फूंक देने को कहते हैं? अभिमान को सी ऑप्शन सी। अभिमान को नहीं, क्या होगा आंसर, सी या अपने डी? सम्मति को डी। एक सेकंड, डी ही होगा आंसर। जगत के जगत वही वो नष्ट कर रहा है। आज जो हमारे पास वैभव है उसे ही वो नष्ट कर रहा है, फूक रहा है। चलिए, मानव ईश्वर बनकर क्या करना चाहता था? संपूर्ण सृष्टि को वंश में करना चाहता मैम था। हाँ बोलो फैजान। एक मिनट ऑप्शन स्लाइड रखिए ना। सी मैं अल्फाज बोला सी था। ऑप्शन हाँ ओके, अल्फाज लो। ओके ओके चलिए, ये हो गया मैम। हाँ मैम। अल्फाज। हाँ हाँ चलिए, कवि को सिर्फ अपनी कथा क्यों करुण नहीं लग रही है? पूरी दुनिया पूरी दुनिया कथा दुनिया में दुख पूरी दुनिया कथा की दुख कथा भरी। दुख भरी। हाँ, पूरी दुनिया की कथा दुख भरी है। ओके चलिए, उसके बाद युग और मैं नरेंद्र कविता शर्मा। के कवि। नरेंद्र शर्मा। नहीं, नरेंद्र नरेंद्र शर्मा। गुड, शर्मा राइट। चलिए, यहाँ हमारे एमसीक्यू खत्म हुए। ओके चलिए, पहले हम मीट पे ही मिलते हैं। ओके आई थिंक